उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में 2019 में हुए पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले में कई पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मुठभेड़ में शामिल तत्कालीन मोड़ थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह समेत तमाम पुलिसकर्मियों पर हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस मामले की जांच अब CBCID को सौंप दी गई है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में झांसी जिले के SSP को एक आदेश देते हुए कहा था कि मृतक की पत्नी के बयान का आधार बनाकर एक FIR दर्ज की जाए। इसके बाद मोड़ थाने के तत्कालीन प्रभारी धर्मेंद्र सिंह चौहान समेत कई पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। पुलिस ने कहा था कि इस मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को मार गिराया गया है, लेकिन परिवार का कहना था कि पुलिस ने पैसों की वसूली के लिए पुष्पेंद्र यादव को अपने पास बुलाया था और उसे एनकाउंटर में मार दिया। जिस मामले में यह आदेश हुआ है वो 6 अक्टूबर 2019 का है। झांसी जिले के मोड़ तहसील के निवासी पुष्पेंद्र यादव ट्रक चलवाने का काम करते थे। पुलिस ने उनके ट्रकों को ओवरलोडिंग के केस में पकड़ा था और ट्रकों को थाने में खड़ा कर दिया था। पुष्पेंद्र के पिता हरिश्चंद्र यादव का कहना है कि पुष्पेंद्र से पुलिस वालों ने गाड़ी छोड़ने के एवज में पैसे मांगे थे। पुष्पेंद्र ये पैसे लेकर घर से निकला, लेकिन अगली सुबह तक वापस नहीं लौटा। सुबह गांव के लोगों ने परिवार को बताया कि पुष्पेंद्र को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया है। झांसी जिले के तत्कालीन SSP OP सिंह ने कहा था कि पुष्पेंद्र ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और गाड़ी लेकर फरार हो गया। इसके बाद क्रॉस फायरिंग में उसे मार गिराया गया। हालांकि परिवार का कहना था कि पुष्पेंद्र बिजनेसमैन था और उस पर कोई भी केस दर्ज नहीं था। पुलिस ने पुष्पेंद्र का फर्जी एनकाउंटर किया और बाद में इसे एक मुठभेड़ बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश की। व्यवस्था करके वो बिदे आए थे, फिर भी दोबारा गए थे 50,000 उस दिन लेके। जब उनसे दूसरे दोबारा रुपए और मांग रहे थे, तब उनने ये कह दिया कि हमें रुपए वापस कर दो। जब उन लोगों ने रुपए वापस नहीं किए, इन लोग इनको मार डाला इनको। हमें न्याय दे, हमें न्याय चाहिए हमारे पति को। इस घटना के बाद अखिलेश यादव खुद पुष्पेंद्र यादव के परिवार से मिलने झांसी गए थे। अखिलेश ने यह भी कहा था कि प्रदेश में IPS अफसर हत्या के मुकदमों में फरार हैं और आज तक उनकी तलाश नहीं हो पाई। पुलिस एनकाउंटर करके वाहवाही ले रही है। बाद में परिवार ने पुष्पेंद्र का शव लेने से इनकार कर दिया था, जिसे लेकर भी खूब विवाद हुआ था। परिवार के ऐसा करने के बाद पुलिस वालों ने पुष्पेंद्र के शव का अंतिम संस्कार परिवार की गैर मौजूदगी में ही कर दिया था। इस मामले को लेकर अदालत में अपील की गई थी और इस मुठभेड़ को फर्जी बताया गया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SSP को आदेश दिया कि पुलिस वालों पर FIR दर्ज हो। अब मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना CBCID करेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।